अखिलेश जी थैंक यू सो मच आपका दिल्ली में बहुत स्वागत है एंड एज कैन सी इतना हॉल भर गया मैं तो आपको कहने वाली हूँ कि आप दिल्ली से ही चुनाव लड़ लीजिए <laughs> मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया और जहाँ तक चुनाव का सवाल है चुनाव यूपी से ही लड़ेंगे लेकिन दिल्ली पहुंचेंगे और आपका टॉपिक भी बड़ा अच्छा है और यूपी से ही रास्ता दिल्ली का है यूपी नहीं तो फिर दिल्ली भी नहीं लेकिन ये यूपी के रास्ते में जो आपने एक क्या कहें कैरा बनाया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं तो ये कांग्रेस के साथ चलेगी आपके साथ दिल्ली तक क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनती हैं परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति में फैसले बदले जाते हैं मुझे याद है जिस समय मैं उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव लड़ रहा था दूसरे दल मैंने साथ लिए थे और एक समय ऐसा भी आया था यूपी पे जो दो दल कभी एक नहीं हो सकते थे क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी उन परिस्थितियों को समझते हुए कि बीजेपी से और बीजेपी का कैसे मुकाबला किया जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आए और आरएलडी को भी साथ लिया तो परिस्थितियां बदली हैं इसलिए जो इंडिया एक गठबंधन बना है इंडिया तो है ही है लेकिन इंडिया को जो जिताएगा और भारत में जो जिताएगा वो उसके साथ साथ पीडीए है तो इंडिया हमारा अलायंस है लेकिन पीडीए एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि हम उनके साथ आकर के और चुनाव जीतेंगे इसीलिए कांग्रेस के साथ या और जो दल अब साथ आ रहे हैं उनको साथ लेकर के चल रहे हैं राखिली जी मैंने आपसे पहले भी बात करी थी आई थिंक जब आपका पिछले यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था और आपने बहुत ही बड़े दिल की दोस्ती करी थी ये आपका फ्रेज था यू गेव अ लॉट ऑफ सीट्स टू कांग्रेस और कांग्रेस उसको डिलीवर कर नहीं पाई तो कांग्रेस आपको लगता है आप, आपके लिए डिसएडवाटेज नहीं होगा कांग्रेस के साथ अलायंस करना उनके लिए तो एडवांटेज हो सकता है ठीक बात है क्योंकि दो में मैंने ये सोचा था कि कांग्रेस से अलायंस होगा तो यूपी में परिणाम दूसरे होंगे कांग्रेस ने सीटें जो मांगी मैंने कई बार रोका उनको कि इतनी सीटें आप क्यों मांग रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सीटें ली लेकिन जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं आया मैंने सौ से ज़्यादा उनको सीट दी लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो बहुत कम था उनके लिए इसलिए 2017 में हम लोग नहीं जीत पाए लेकिन लगातार जो अनुभव मिला है उस अनुभव के साथ अगर मैंने बड़े दिल से दूसरे दलों के साथ अलायंस किया है तो ये मौका और दलों के साथ भी है कि वो बड़े दिल से समाजवादी पार्टी के साथ आए और बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में करें मेरे ख्याल में शायद इसी ऑफर के मजबूती पे कांग्रेस ने अब कह दिया है कि राहुल गांधी इस चुनाव में अमेठी से लड़ेंगे क्या आपने कुछ उनको आश्वासन दिया है देखिए कांग्रेस से जब बातचीत होगी सीटों को लेकर के नेताजी के समय से और समाजवादी पार्टी ने ये पॉलिटिकल शिष्टाचार हमेशा माना है कि उनकी जो ट्रेडिशनल सीटें हैं उनको हमेशा नेताजी ने भी छोड़ के रखा था तो आने वाले समय में अगर वो इस तरह की बात करेंगे कि इन सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी एक बार को विचार करेगी पर अभी इंडिया की बैठक होने वाली है सब कहते हैं कि मेन प्रॉब्लम इसी पे आएगा विचारधारा के बारे में तो मैं बाद में करूंगी पर सीटों पे कांग्रेस भी कहती है कि हमारा कोई प्रॉब्लम है तो वेस्ट बंगाल में होगा यूपी uh, में वी आर नॉट श्योर पर अभी तक बोल नहीं रहे हैं लेकिन अंदर अंदर जैसे कि आपका और प्रियंका गांधी के साथ भी हुआ था मुझे याद है आजमगढ़ में जब प्रियंका गांधी वॉज़ द यूपी इंचार्ज पोस्टर्स लगे थे तो अखिलेश यादव इज़ मिसिंग बीजेपी को अटैक नहीं कर रहे थे वो आप ही को कर रहे थे इनसिक्योरिटी उनकी आपसे है बहुत बुराइयां रही होंगी कांग्रेस में लेकिन अभी एक बहुत बुरी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो एक समय था बुराई का क्योंकि आ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी नेता के बारे में ये पर्सनल ये काम नहीं करना चाहिए था लेकिन क्योंकि आजकल होता क्या है कि इवेंट मैनेजर्स होते हैं आजकल तो जो इवेंट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं वो कभी कभी लीडर्स को गलत रास्ते पर ले जाते हैं सोचिए कांग्रेस बीजेपी ने कभी ये नारा दिया था अच्छे दिन का क्या वही इवेंट मैनेजर आज कह सकता है कि अच्छे नारे और अच्छे दिनों पर हम चुनाव लड़ लेंगे तो वो परिस्थितियाँ थी उनकी लगता किसी ने उन्हें सुझाव दिया होगा इसलिए मेरे खिलाफ पोस्टर लगे थे और कांग्रेस कभी उसका इतिहास देखोगे तो पोस्टर बहुत पुराने पोस्टर लगाते रहे हैं वो लोग ये वही इवेंट मैनेजर है ना जो अब शायद बीजेपी में जाने वाला है अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि किस वजह से किसके कहने से यह किया गया था आ, क्योंकि लड़ाई बड़ी है इसलिए पीछे मुड़ के उन चीजों के बारे में सोचना गलत होगा चलिए आगे देखते हैं क्या आपसे तो मैं टमाटर के भाव करके सवाल कर सकती हूं ना बिल्कुल <laughs> हमारे साथी तो टमाटर के आंदोलन में जेल चले गए थे वो तो केवल बात जेल की हुई थी याद दिलाया गया था हमारे एक साथी ने केवल इस बात का विरोध किया प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कि टमाटर महंगे बिक रहे हैं सरकार ने उसमें मुकदमे दर्ज कर दिए और दुकानदार के पिता को और बेटे को दोनों को जेल भेज दिया सोचिए आज लोकतंत्र कहाँ पहुँच गया अगर हम ये बात कहें कि बाजार में टमाटर महंगा बिक रहा है तो सोचिए जो आई एस हैं आई पी एस हैं वो सब भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारी अपनी शपथ और उन्हें किस लिए डीएम और एस पी या पुलिस कमिश्नर बनाया गया है वो एक गरीब आदमी को जेल भेज रहे हैं केवल अपने ऊपर वाले बैठे लोगों को खुश करने के लिए उससे क्या खुशी मिली होगी उन्हें शायद उन अधिकारियों ने इस फैसले से उन्हीं के दल का नुकसान किया होगा आगे ये जो चुनाव अभी जो आगे लड़ा जाएगा तो क्या मुद्दे होंगे क्योंकि ये बीजेपी हमेशा कहती है वी हैव एन इशू चाहे हिंदुत्व का इशू हो चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा हो है. आपके पास चेहरा भी नहीं है और एक उस तरह का बाइंडिंग मुद्दा भी नहीं है देखिए बीजेपी के पास जहां से मैं आता हूं यूपी में कोई बड़ा ऐसा फैसला नहीं किया जिसको कहकर के वोट मांग सकें लेकिन वो धर्म का कॉकटेल लेकर के आएंगे रिलीजियस एज पे चुनाव लड़ेंगे वो जो चंद्रायन है इसका भी लेकर के वो प्रचार करेंगे कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है लेकिन सवाल वो तो है लेकिन जब हम पीछे मुड़के देखते हैं कि यूपी में कितनी आबादी को आप खाना बांट रहे हैं आप हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सौ में केवल चार बेरोजगार हैं कौन मानेगा उनकी बात अभी 33 करोड़ का एमओ किया उन्होंने एक इवेंट नहीं दो इवेंट किए उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट जिसमें प्रधानमंत्री आए राष्ट्रपति आए देश के सब उद्योगपति आए अगर आपने इतना बड़ा आयोजन किया हो और जनता को भरोसा दिलाया हो कि आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट आएगा लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट डिफेंस एक्सपो किया उन्होंने कहा कि हम मिसाइल्स बनाएंगे यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स बनेंगे तो लोगों को आप कितनी बार गुमराह कर सकते हैं अंतगतवा जनता समझती है इन बातों को इसलिए यही सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है डेवलपमेंट में आपने बहुत कुछ किया है आई रिमेंबर हमारी एक कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी जब आपने प्रचार किया था जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपने अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिखाए मेट्रो दिखाया रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट दिखाया एक्सप्रेस वे दिखाया दूसरी तरफ बीजेपी के जो उधर का प्रचार हो रहा था मॉर ऑन रिलीजन लाइन्स तो आपको लगता है कि आपका स्ट्रेटेजी गलत थी मुझे खुशी है इस बात की कि जब देश के प्रधानमंत्री हरकुलस हवाई जहाज से उतरे थे तो वो समाजवादियों की डिजाइन सड़क थी जिसकी पर उतरे थे और आज भी आज भी कम समय पर एक्सप्रेसवे बनाना या स्टेट को सबसे बेहतर डिजाइंड एक्सप्रेस किसी ने दिए तो समाजवादी पार्टी ने दिए हैं केवल यही नहीं मुझे याद है कि पुलिस का रिस्पांस सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया था उस समय सरकार के साथ मैंने प्रोफेसर वेंकट को रखा और किस तरीके से न्यूयॉर्क पुलिस वहां की रिस्पांस देती है उनका हेड ऑफिस कैसे काम करता है कंट्रोल रूम कैसे काम करता है वहां हमारे आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारी गए देख करके आए समझ करके आए और हमने अपनी परिस्थितियों को समझा कि यूपी में हमें किस चीज की जरूरत है उसके बाद डायल हंड्रेड दिया मैं कह सकता हूं कि देश का सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम किसी ने दिया था तो समाजवादी पार्टी ने दिया बहुत से ऐसे मैं प्रोजेक्ट बता सकता हूं जो समाजवादियों ने दिए ये सही है कि चुनाव हम नहीं जीत पाए क्योंकि समाजवादी लोग समझा रहे थे बीजेपी के लोग जनता को बहका रहे थे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि एक ही जाति के छियालीस में छप्पन को नौकरी दे दी हमने मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि सदन में मुझे बताओ वो लिस्ट कहाँ है जहाँ पर छियालीस में छप्पन हमने किसी को नौकरी दी हो आज तक लिस्ट नहीं मिली और फिर जो लोग सपना दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मीट के इतने बड़े बड़े सपने सोचिए हर दिन यूपी में किसी न किसी गरीब की जान जा रही है जो सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं हो सकता है ये मुद्दा उनके लिए ना हो लेकिन एक किसान अगर अपनी खेती देखने गया पता लगा उसको जानवर ने मार दिया सींग से के फेंक दिया कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उसको सिंग से उठा करके फेंक दिया मुख्यमंत्री जी का खुद स्टाफ जो उनके ऑफिस में काम करता था वो जानवरों से टकराई गाड़ी उनकी जान चली गई आज हर दिन पिछले कई वर्षों से यूपी में एक व्यक्ति की जान जा रही है उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस सड़कों पे जानवर नहीं होंगे आज देखिए उत्तर प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं आप वाराणसी से लखनऊ आ जाएं आप लखनऊ से गोरखपुर चले जाएं सोचिए कितना भरा पड़ा है हाईवे इन जानवरों से तो ये तमाम वो सवाल बुनियादी सवाल हैं, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और किसान की आय आप लाल किले से कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे मुझे बताइए आपने किस किसान की किस फसल की आय दोगुनी कर दी जिस एमएसपी के लिए जिन काले कानून के लिए हजारों किसान यहां बैठे रहे लाखों लोग शामिल हुए आंदोलन में लगभग एक हजार किसानों की जान चली गई उसके बाद भी किस सरकार कुछ नहीं कर रही ना एमएसपी दे रही ना आय दोगुनी अगर मुझे बीजेपी बताए यूपी जैसे बड़े स्टेट में अगर किसानों के लिए एक मंडी बनाई हो तो बता दें एक जिला अस्पताल बनाए हो जहाँ गरीबों का इलाज हो सके तो हमें बताए वो पर फिर भी लखीमपुर खेरी से बीजेपी जीती है देखिए चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का अलग है उसी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार अपने कैंप कर रही है मुझे खुशी है इस बात की कि लखीमपुर का कैंप हो चुका है समाजवादियों का सीतापुर में हो चुका है और कई जिलों में किया हम लोगों ने फतेहपुर में किया है बांदा में हुआ है लगातार हम लोग अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं वर्कर्स को समझा रहे हैं कि आने वाले समय में चुनौती क्या है ये सच है कि किसानों की थार से जान ली गई उसमें समाजवादी नेता सबसे आगे चल रहा था लेकिन बीजेपी जीत गई जीत का मतलब यह नहीं है कि किसानों की हत्या नहीं हुई है ने किसानों को नहीं रोंदा है आज नहीं कल कभी तो कभी न्याय मिलेगा और वो समय आएगा जब बीजेपी को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा अच्छा अभी मैंने देखा था रजनीकांत आए थे यूपी तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि यूपी का रजनीकांत कौन है अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ कोई अगर अगर पूछो कोई अगर सम्मान दे तो उसका सम्मान उसी तरीके से करना चाहिए किसी के सम्मान का लाभ नहीं उठाना चाहिए रजनीकांत कोई नहीं हो सकता रजनीकांत रजनीकांत थे और हमारे तो योगी जी हैं सुबह चार बजे जगने का दावा करते थे अभी योग दिवस पे हम लोगों ने योगा देखा उन्होंने एक टांग पे खड़ा हो करके <laughs> तो सोचो जो योग करते हो और ढगमगाते हो तो किसने कहा था एक टांग पे खड़े हो अरे अलोम विलोम कर लेते नहीं पकड़े जाते आप अच्छा हमारा जो मंच है हम इसको फेस्टिवल ऑफ आइडियाज है और ये हमारा पहला सेशन है जो आपके साथ हम ये उद्घाटन कर रहे हैं तो मैं इसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल बातें भी नहीं करते हैं वे आर ऑल्सो कॉलिंग थोड़े जो विजनरी हैं थॉट लीडर्स हैं आप जैसे जो जो पॉलिटिक्स के ऊपर सोच सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे आपसे समझना है एक दो चीज़ें आजकल बहुत चर्चा हो रही है एक दो किताबें भी आई हैं ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया आप एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट नॉट एज अ समाजवादी पार्टी लीडर हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज़ हैड इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन मुश्किल है एक बताना लेकिन जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे कुछ ना कुछ अच्छा काम किया उन्होंने पहले प्रधानमंत्री से लेकर के और आज जो प्रधानमंत्री हैं मैं फर्क तो बता सकता हूँ पहले लाल किले से जो बात कही जाती थी उसको अपना सिद्धांत मानते थे और वो ऐसा फैसला होता था जनता को भरोसा होता था लेकिन आज की सरकार के और आज के प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं वो शायद जमीन पर नहीं दिख रहा है ये फर्क नजर आता है और इस बार तो सुना है वो तो मैंने बाद में देखा कि इस बार झंडा नहीं लहर पाया इसीलिए उन्होंने कहा कि अगली बार मैं झंडा लहराऊंगा तो जब बीजेपी का इसी बार झंडा नहीं लहराया गया किले पे तो अगली बार झंडा नहीं लहरने वाला इनका अब तो कोई दूसरा ही आएगा ये कौन आएगा ये दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी चॉइस है इंडिया गठबंधन के पास <laughs> और नहीं सब आप क्या बन रहे डिप्लोमैट <laughs> नहीं, नहीं, नहीं है हाँ। क्योंकि कल कौन प्रधानमंत्री होगा ये कोई नहीं जानता एक समय देश में आया था जब अलायंस के प्रधानमंत्री बने तो कोई बना प्रधानमंत्री तो जो आने वाले समय में कौन बनेगा प्रधानमंत्री तो ये किसी कोई भी बन सकता है और हाँ, इंडिया के पास तो चॉइस है आपको यंग चाहिए तो यंग है आपको महिला है, चाहिए कोई अच्छे जिसका बैकग्राउंड हो रहा हो जिसने काम बहुत किया हो वो हमारे पास है आपका धर्म का चाहिए तो वो हमारे पास है जाति का चाहिए तो हमारे पास है तो हम पे तो इतनी चॉइस है अरे बीजेपी पे क्या चॉइस है बीजेपी पे कोई चॉइस नहीं है अगर चॉइस है तो वो जो डबल इंजन है हमारे है, वो टकरा रहे हैं एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं आधी टक्कर तो यूपी में हो रही है तीसरा इंजन भी तो आ रहा है यूपी वाला देखिए इंजन अगर इंजन है ठीक है लेकिन मुश्किल बीजेपी में ये है कि जो डब्बे थे वो इंजन अपने आप को समझ रहे हैं अच्छा आपने कहा आपकी चॉइस है आपने कहा यंग भी है नौ यंग में मैं जो गिन रही थी एक तो है आप अखिलेश यादव दूसरे हैं राहुल गांधी तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल इनफैक्ट मैं थोड़ी अपनी पब्लिसिटी कर दूं मैंने एक बुक भी लिखी थी इन तीनों के ऊपर लीडर्स ऑफ टमोरो जहाँ अखिलेश यादव फर्स्ट चैप्टर में थे और अभी भी यहाँ बैठे हैं तो अखिलेश जी आप तीनों में से हु एज़ द बेस्ट चांसेज यूपी आपके पास है सबसे बड़ा स्टेट हालांकि यूपी की भूमिका बड़ी है बीजेपी की दोनों सरकारें यूपी की वजह से बनी अगर यूपी को हम माइनस कर दें तो बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है अपनी अकेली इकलौती सरकार नहीं बना सकती पार्टी आ, कौन बनेगा इस पर कोई फैसला नहीं कोई यंग भी हो सकता है कोई महिला भी हो सकती है कोई किसी से भी जो अलायंस में इतने हमारे लोग साथी हैं कोई भी हो सकता है वाराणसी से प्रियंका गांधी भी लड़ना चाह रही हैं देखिए ये उनकी पार्टी का फैसला है वो क्या करना चाहते हैं अभी ये इंडिया गठबंधन का फैसला नहीं है इंडिया गठबंधन का क्या फैसला है कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा या कोई नहीं लड़ेगा अभी उस स्टेज पर हम लोग नहीं आए हैं कि जिस पे हम ये सीटों को लेकर के बात करें लेकिन सीटों का बंटवारे में मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी लोगों ने हमेशा बड़े दिल से फैसले लिए हैं लोगों को अकोमोडेट किया अपने साथ लेकर के आए तो आने वाले समय में इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा गठबंधन पर अच्छा एक और सवाल पूछे मैंने पूछा हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नॉट टेल मी हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया नेवर हैड जिनको मौका मिला था लेकिन उनको आ, नहीं बनना पाया बन पाए ये ये इन बातों का कोई जवाब नहीं मेरे पास पॉलिटिकल हार्ट करिए ना थोड़ा नहीं, नहीं, नहीं इनका <laughs> कोई जवाब मेरे पास नहीं है हाँ कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर बने जो देश को आगे ले जाए किसान को आगे ले जाए क्योंकि जब तक बुनियादी चीजें नहीं ठीक होंगी आज हम दुनिया में कहीं भी खड़े हों लेकिन जो हमारे आंकड़े जो बताते हैं हमें जो दिखाई देता है वो हम कहां खड़े हैं आप आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं लेकिन क्या किसान को उसका लाभ मिल रहा है आबादी जो है हमारी जो गांव में रह रही है या इतने बड़े पैमाने पर पे बेरोजगार नौजवान कहीं दिखेंगे आपको इतनी महंगी पढ़ाई हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं सोचिए आप हर दिन लोगों को इलाज के अभाव में अपनी जान देनी पड़ रही है इसलिए सवाल यह है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े और फिर समाजवादी लोगों ने कम से कम यूपी में काम करके दे दिखाया एक विजन दिया कि हाँ काम ऐसे भी हो सकता है कम समय में काम हो सकता है अभी फर्स्ट ऑफ जनवरी में अगले साल में राम मंदिर का भी उद्घाटन होगा तो वी आर गोइंग टू सी कि फिर से ये बीजेपी इस तरह का नैरेटिव बनाने जा रही है क्या अखिलेश यादव भी अयोध्या जाएंगे देखिए तो बीजेपी का कोई आज का मुद्दा नहीं है ये बीजेपी का ये मुद्दा जाने कितना पुराना है और हम जितने लोग हैं इंक्लूडिंग मैं हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है न पूजा पाठ के खिलाफ हैं हम अपने घर में पूजा करते हैं हम मंदिर जाते हैं लेकिन बीजेपी जबरदस्ती कहेगी कि यहाँ जाना है तो हम क्यों जाएं? अगर वो जबरदस्ती अपने मंदिर के लिए कर रहे हैं तो हमारे मंदिर पे भी आना आप तो जहां तक अयोध्या का सवाल है अयोध्या सबकी है केवल बीजेपी भी की नहीं है और फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है तो मंदिर सबका है तो फिर क्या जैसे कि राहुल गांधी भी कभी जनऊ पहनते हैं नहीं पहनते हैं कभी मंदिर जाते हैं कभी मस्जिद जाते हैं तो वो कन्फ्यूजन में थोड़े आपके हैं पर उनकी छोड़िए आप बताइए कि आपका क्या रहेगा नैरेटिव जब चुनाव के टाइम देखिए धर्म या जो बीजेपी का रास्ता है उस रास्ते पे हम लोग नहीं उलझ सकते उनसे हमारा वही बुनियादी सवाल है जो समाजवादी सिद्धांत हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है या जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सपना देखा नेताजी ने जो संघर्ष किया उस रास्ते पर हमें चलना है बीजेपी क्या करेगी इसके लिए समाजवादी पार्टी नहीं सोच रही है समाजवादी पार्टी का लक्ष्य यह कि हमारे लोग जागरूक हों कि बीजेपी देश को कहां ले जा रही है अधिकारों को छीन रहे और कितना झूठ प्रचार करते हैं जब मैं सरकार में था तो हमारे खिलाफ न जाने कितना झूठा प्रचार किया और यहां तक प्रचार करते थे कि अगर कहीं कोई घटना हो तो हम जाति और धर्म को देख करके मदद करते हैं अभी मैंने सदन में सवाल को खड़ा किया मैंने कहा काबड़ियों की जान गई है आपके अधिकारी आपके पुलिस के लोग फूल बरसा रहे थे आप खुद फूल बरसाने गए आप सरकारी हेलीकॉप्टर प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर कर करके आप कावड़ियों पे फूल बरसाते हैं लेकिन जिन गरीब कावड़ियों की जान गई उनकी आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप मदद करिए एक सरकारी नौकरी दीजिए एक करोड़ रुपए दीजिए नहीं दिया सरकार ने नहीं, नहीं मदद की तो ये इनका जो धर्म है वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए है ये धर्म के कॉकटेल को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी हमारे बुनियादी सवाल हैं मुझे याद है जब मैंने एक्सप्रेस डिजाइन किया तो एक्सप्रेस डिजाइन इस तरह किया कि कम से कम हमारे डिफेंस के काम आए हमारे किसान के लिए कैसे हम उसको मंडी दें और द एक्सप्रेस वे आप देखेंगे मंडियाँ बनाई कम से कम आलू के किसान को लाभ हो हमारा गेहूं पैदा करने वाले किसान को लाभ हो जो सरसों पैदा कर रहा है उसका लाभ हो जो सब्जियां पैदा कर रहा है उसका लाभ हो आज दिल्ली में अगर सामान आना है मान लीजिए गाजीपुर से सा सामान आना है कभी कभी बारह घंटे चौबीस घंटे लगते थे आज एक्सप्रेस वे से आइए आधे दिन में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया वो हमारी इकॉनमी हमारे किसान को लाभ पहुंचाने जाना इसीलिए मैं जब सरकार में था तो मैं कहता था कि डबल द स्पीड ट्रिपल द इकॉनमी अगर आप रफ्तार बढ़ा सकते हो किसी चीज की तो इकॉनमी अपने आप ग्रो करेगी इसीलिए एक्सप्रेस वे बनाए और ये सरकार तो ऐसी है जहां तक बनाए उससे आगे नहीं ले जा पाए आगे नहीं ले जा पाए सोचिए आप और मैंने तो कई बार पूछा कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं इंडस्ट्राइजेशन चाहते हैं आप लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं तो आपने बिजली कितनी बनाई आपकी दिल्ली की सरकार थी डबल इंजन की सरकार आपने बिजली का कारखाना कौन सा यूपी में लगाया एक कारखाना बीजेपी ने नहीं लगाया यूपी में जितनी कुछ बिजली यूपी में आज मिल रही है लोगों को वो समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है न केवल बनाना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में शायद आजादी के बाद इतना काम इकट्ठा किसी सरकार ने किया होगा तो समाजवादी सरकार ने किया है और ये डेटा बताता है आंकड़े बताता है काम बताता है आप नाउ यो इन असेंबली एंड आपने पार्लियामेंट में भी हैं और असेंबली में भी है किस में आपको ज्यादा मजा आता है इन ऑपोजिशन नॉट एज चीफ मिनिस्टर वो तो चीफ मिनिस्टर का तो अलग मजा है नहीं देखिये जब आप राजनीति में हैं तो आप दोनों तरफ रह करके जब काम करते हैं तो आपको सीखने को और जनता को बताने का मौका मिलता है सरकार में थे तो जो काम किए वो आज मैं याद दिलाता हूँ इस सरकार को और जो सरकार की नाकामी है उस पर सरकार को हम लोग घेरते हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश की असेंबली में हम लोगों ने मणिपुर का सवाल उठाया सरकार बोलती मणिपुर का सवाल प्रदेश में क्यों उठ रहा है मैंने कहा कि आप स्टार प्रचारक हैं आप वोट मांगने तो जाते हैं आप आज उनके दुख की घड़ी है संकट की घड़ी है तो आप क्या वहाँ नहीं जा सकते हैं आप क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आप स्टार प्रचार रखे तो मणिपुर वाले मामले में जाए आप क्या कोई कल्पना कर सकता है कि किस तरीके से बेटियों की महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ उनकी जो तस्वीरें आई वो बीजेपी को जरूर सजा मिलेगी जो बीजेपी ये कहती थी कि आदि आबादी की वोट की वजह से हम सरकार में आए हैं साइलेंट वोट था वो ये इस बार महिलाएं बीजेपी को हराने का काम करेंगी आखिरी सवाल आपकी जो बुआ जी हैं क्या उनकी भी घर वास्पी होगी उनके साथ जो अनुभव था वो जैसा रहा वो सामने है मैं अपनी सीटें हार गया वो जीरो से दस पहुंच गई और उन्होंने हमारे साथ गठबंधन तोड़ दिया गठबंधन जरूर तोड़ा उन्होंने लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलने वालों समाजवादियों ने रिश्ता नहीं तोड़ा और रिश्ता मजबूत करेंगे और मैंने हर भाषण में यह कहा था एक समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनो लोहिया जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे वो परिस्थितियां नहीं बनी दोनों ने काम नहीं साथ किया लेकिन हम समाजवादी लोग लगातार उनके बीच में हैं उन्हें जोड़ रहे हैं हमें उम्मीद है कि जब चुनाव आएगा 24 का परिणाम दूसरे होंगे परिणाम बीजेपी को हटाने के होंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अखिलेश यादव जी थैंक यू सो मच और मैं एज आई वाज़ सेइंग आपको दिल्ली ज्यादा आना चाहिए यू आर गेटिंग सच ए गुड वेलकम ओवर हियर लेकिन शायद आप लखनऊ से ही दिल्ली आएंगे नहीं लखनऊ से दिल्ली आना अच्छा है अखिलेश यादव ने पहले ही कहा कि हमारा जो टाइटल है वो शीर्षक है उनको पसंद आया क्योंकि रोड टू 2024 ट्वेंटी ट्वेंटी का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होके गुजरता है तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी आपका कि आप आज हमारे कार्यक्रम में आए आई लाइक टू रिक्वेस्ट नीलिमा दालमी आधार जी और प्रभा कैतान फाउंडेशन टू तो प्लीज कम एक छोटा सा भेंट वो आपको देना चाहेंगी टू तो प्रेजेंट अ तो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए अखिलेश यादव जी का और अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे संडे गार्डियन फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित शर्मा को आई ऑल्सो इन्वाइट ऋषभ गुलाटी मैनेजिंग एडिटर ऑफ न्यूज एक्स ऑन स्टेट आई ऑल्सो इन्वाइट राना यशवंत जी मैनेजिंग एडिटर ऑफ इंडिया न्यूज ऑन स्टेट प्रिया सहगल जी आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू स्टे ऑन स्टेट एक खास भेंट है हमारा आई टीवी नेटवर्क का आपके लिए वीड लाइक टू प्रेजेंट यू फॉर ग्रेसिंग आस विद योर प्रेजेंस एज की नॉट स्पीकर फॉर फेस्टिवल ऑफ आइडियाज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बहुत बहुत आभार आपका अखिलेश यादव जी